जिला मुख्यालय नीमच से 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित रतनगढ़ थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम जाट, जो कि राजस्थान सीमा से लगा हुआ होने के कारण लोगों की आवाजाही हमेशा बनी रहती है। देश में फैली महामारी कोरोना वायरस को रोकने के लिए शासन प्रशासन द्वारा जनता कर्फ्यू लगाया गया, जिसके तहत जाट का मुख्य बाजार सहित आसपास का क्षेत्र लगातार 5वें दिन भी पूर्ण रूप से बंद रहा। प्रशासन भी इस महामारी को लेकर गंभीर नजर आया। राजस्थान व मध्य प्रदेश की बॉर्डर मोती डूंगरी चौराहे पर चेक पोस्ट बनाया गया है, जिसमें राजस्थान से आने वाले हर नागरिक की स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा गहनता से जांच की जा रही है, ताकि कोरोना वायरस जैसे संक्रमण को मध्य प्रदेश में घुसने से रोका जा सके। और इसके लिए पुलिस प्रशासन सहित प्रशासनिक अधिकारी चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं। आप देख रहे हैं नीमच जिले के जाट से आजाद खान की रिपोर्ट। इस वक्त हम खड़े हैं जाट के नगर के बस स्टैंड के सबसे भीड़ भाड़ वाले एरिया में, और यहाँ पर जो कि अभी आप मौजूदा हालात में देखा जाए तो यह एरिया बिल्कुल सुनसान पड़ा है, क्योंकि महामारी संक्रमण जो कि कोरोना वायरस है वो पूरी तरह से मतलब यानी कि भारत बंद के आह्वान पर यहाँ पर भी जाट में भी लोगों ने पूरा पूर्ण रूप से समर्थन दिया है, और यहाँ पर कोरोना वायरस को एक खात्मे की ओर ले जाते हुए इस युद्ध के लिए यहाँ पर जो आम जन ने सहयोग दिया उसके लिए पूरा मार्केट बंद पड़ा हुआ है, और ये जो बस स्टैंड है जो सबसे यहाँ पर सबसे ज़्यादा एरिया है, सबसे ज़्यादा पब्लिक वाला एरिया है, और यहाँ पर आवागमन हमेशा चालू रहता है, लेकिन प्रेजेंट में फिलहाल में कंडीशन यह है कि यहाँ पर यह एरिया बिल्कुल सुनसान पड़ा है, और यहाँ पर हर दुकानदार अपनी दुकान बंद करके इस कोरोना वायरस के जैसे संक्रमण को ख़त्म करने के लिए शासन प्रशासन का सहयोग दे रहा है। जिस तरह से पुलिस प्रशासन अलर्ट है, और गांव के अंदर जो इस छोटे से ग्राम के अंदर जो 5 दिन से जो जनता कर्फ्यू लगा हुआ है उसके अंदर पुलिस प्रशासन हर तरह से अलर्ट है, और जनता को हर तरीके से समझाई दी जा रही है कि वो इस कोरोना वायरस को लेकर घर से बाहर नहीं निकले और इसको थोड़ा गंभीरता से ले, और इसके लिए प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट है। और हम हम यहाँ भी खड़े हैं जाट की चौकी पर, जहाँ पर हम बात करेंगे चौकी प्रभारी मोनिका तिवारी जी से। लेकर मैडम लगातार 5वें दिन भी जनता कर्फ्यू लगा हुआ है, और पूरे गांव पूरा एरिया पूरा कस्बा पूरी तरह से बंद है, और इस तरह से पुलिस विभाग भी पूरी तरह से चाक चौबंद है। मैडम आपको इस एरिया में और इस चाक चौबंद को लेकर और इस बंद को लेकर आपको कोई परेशानियां का सामना तो नहीं उठाना पड़ रहा है, और पुलिस प्रशासन इसके लिए किस तरह से मुस्तैद है? नहीं, परेशानी का तो कोई सामना नहीं उठाना पड़ रहा है, पर हाँ कुछ असामाजिक तत्व हैं जो बाहर निकलते हैं बार बार, पर उन्हें भी समय समय पर जाकर वापस घर के अंदर कर दिया जा रहा है। और वैसे जनता का पूरा सहयोग मिल रहा है, जाट की जनता बहुत समझदार है और पूरा सहयोग दे रही है, सब लोग घर में ही हैं, और कोरोना के प्रति भी सबको जागरूक किया गया है हमारी तरफ से, तो अभी ऐसी कोई समस्या नहीं आ रही है हमें। मैडम खाने पीने के लेकर सामग्रियों को लेकर जिस तरह से प्रशासन की तरफ से छूट दी गई है किराना व्यापारी और दूध व्यापारी और सब्जी वालों को, तो उसके लिए मैडम यहाँ पर पूर्ण रूप से ये चीज़ अवेलेबल हो पा रही है नहीं हो पा रही मैडम? जी, सारी सुविधाएं यहाँ अवेलेबल हो पा रही है, जितना कोशिश बनती कोशिश हम पूरी प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ की जनता को कोई समस्या पैदा ना हो। मैडम अभी तक जितने भी आपके यहाँ पर आपके क्षेत्र के अंदर यहाँ पर जितने भी टेस्टिंग हुए उसमें आपको कोई ऐसा कोरोना से लेकर कोई ऐसा संक्रमित व्यक्ति या कोई ऐसा महिला पुरुष ऐसा कोई आपको अभी तक ऐसा मिला तो नहीं है जिसकी वजह से इस क्षेत्र में कोई ऐसी परेशानियों का सामना उठाना पड़ सकता है? नहीं नहीं, अभी तक कोई ऐसी समस्या सामने नहीं आई है, कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं पाया गया है यहाँ पे। जो एक दो छोटे मोटे केस आए हैं उनको भी हमने रेगुलर चेकअप के बाद में नेगेटिव ही आया है उनका। जी मैडम, स्वास्थ्य विभाग की टीम भी आपके साथ लगातार काम कर रही है मैडम, तो उनका भी प्रयास ये रहता है कि यहाँ पर संक्रमण नहीं हो, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई बड़ा अधिकारी जो स्वास्थ्य विभाग से वो देखने को नहीं मिल रहा है, इसके लिए मैडम आपके क्या कहना है? नहीं, इसके लिए हमारे पास एक डॉक्टर साहब हैं जो रेगुलर बीच बीच में आ रहे हैं, डॉक्टर्स की कमी होने की वजह से यहाँ पर रेगुलर एक पोस्टिंग टाइप नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बीच बीच में चेकअप के लिए आ रहे हैं डॉक्टर। मैडम यहाँ पर जो जाट के अलावा भी आसपास ये जो क्षेत्र फैला हुआ है लगभग 5 पंचायतों से क्षेत्र फैला हुआ है, लेकिन मैडम यहाँ के अलावा भी आप दूसरी जगह भी इस ओर चेकअप कर पा रही है जहाँ उनसे बराबर मिल पा रही हो नहीं पा रही? नहीं, सब जगह हमारे चौकीदार और सरपंच वगैरह से हमारी बातचीत है, गाँव के सचिव से भी हमारी बातचीत है, यदि कोई भी इस तरीके से कोई बाहर से आया हुआ व्यक्ति यहाँ पर रुका हुआ है तो उसका रेगुलर चेकअप हम करवा रहे हैं, जिसके लिए हम हॉस्पिटल में भी वो मशीन आ चुकी है, और जो गोल डूंगरी चौराया जहाँ पे हमारी चेकिंग लगी हुई है बॉर्डर चेकिंग, वहाँ पे भी इनका रेगुलर चेकअप चल रहा है। ओके मैडम, आपका शुभ नाम? मेरा नाम है PSI मोनिका तिवारी, चौकी जाट चौकी प्रभारी। पॉइंट दिया गया है मध्य प्रदेश और MP के लिए, राजस्थान और MP के लिए ये चेक पॉइंट दिया गया है। यहाँ पर आने जाने वाले व्यक्ति को यहाँ पर चेकअप किया जा रहा है,
तो उसके लिए यहाँ पर आपको क्या सुविधाएं हो रही है सर, इसके लिए बताइए सर। यहाँ पर हमारे साथ में जो है मेडिकल टीम अवेलेबल है, वो बराबर चेक कर रही है। अब तो बिल्कुल ही हमने राजस्थान के व्यक्तियों को आना बंद कर दिया है और हम नहीं अंदर अपने जाट क्षेत्र में नहीं आने दे रहे हैं उनको। जब से हमको इंस्ट्रक्शन मिले हैं और सख्त हिदायत मिली है, उसके बाद से हमने बिल्कुल जाट क्षेत्र में बाहरी व्यक्तियों का आना बिल्कुल बंद कर दिया है। और यहाँ पर हमारे साथ जो है, यहाँ पर चेक पोस्ट पर हमारे जो लगी हुई है पुलिस टीम के साथ चौकीदार लगे हुए हैं और ये मेडिकल टीम लगी हुई है जो बराबर चेक कर रहे हैं और बिना चेक के किसी को अंदर जाने नहीं देते, चाहे वो जाट क्षेत्र के हों, रतनगढ़ क्षेत्र के हों या जावा क्षेत्र के, नीमच जिले के। सर, जनता कर्फ्यू के अंदर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा बार बार मार्केट में निकलना, बार बार घूमना, बार घूमना, उसके खिलाफ आपके आप क्या कार्रवाई कर पा रहे हैं सर? उसके लिए हम बिल्कुल सख्ती से इसका पालन करवा रहे हैं और जो नहीं मान रहे हैं उनके खिलाफ हम कार्रवाई भी कर रहे हैं और ऐसे लोगों के विरुद्ध हम बिल्कुल सख्ती से पेश आएंगे जो शासन के निर्देशों का पालन नहीं करेगा। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम शमू सिंह चुंडावत है और मैं चौकी प्रभारी जाट हूँ। ओके सर, धन्यवाद। थैंक यू। इस मोती डूंगी चौराहे जो कि एक यहाँ पर पॉइंट बनाया गया है मध्य प्रदेश राजस्थान की बॉर्डर के लिए, यहाँ पर हवाई जाने वाले व्यक्ति को यहाँ पर चेकअप किया जा रहा है। यहाँ पर डोरे ग्राम पंचायत के यहाँ पर पटवारी जी मौजूद हैं, वो यहाँ की स्थिति से लगातार वाकिफ है और यहाँ पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं। हम उनसे पूछते हैं कि यहाँ तक अभी तक उन्होंने यहाँ पर क्या स्थिति देखी है और क्या परेशानियाँ से इन्हें गुजरना पड़ रहा है। वैसे तो प्रशासन अपना काम मुस्तैदी से कर रहा है, पर कुछ लोग जो हैं वो मतलब मान नहीं रहे, वो घर से बाहर आ रहे हैं बेवजह, और हमारी तरफ से तो पूरी तरीके से प्रशासन अलर्ट है और किसी को भी आने जाने नहीं दिया जा रहा है, पर कुछ लोग जो है सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। उनको अपनी खुद की जिम्मेदारी समझना चाहिए और बेवजह घर से बाहर नहीं आना चाहिए। प्रशासन द्वारा यहाँ पर बोला गया है कि अगर कोई सपोर्ट नहीं करता है तो उसके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की जाए, तो उसके खिलाफ क्यों नहीं आप कार्रवाई करते हो? ऐसा अगर ऐसा है तो कार्रवाई भी कर रहे हैं, अगर जो कोई मान जाता है तो ठीक है, नहीं मानता तो फिर हमको सख्ती दिखानी पड़ेगी। ओके, धन्यवाद। आपका शुभ नाम? योगेंद्र सिंह चौहान, डोरई पटवारी। कोरोना वायरस को लेकर किस तरह से प्रशासन अलर्ट है और यहाँ पर पूरा जनता कर्फ्यू लगा हुआ है, हर जगह यहाँ पर मार्केट बंद पड़ा है, सुने पड़े सन्नाटा पसरा हुआ है और आम पब्लिक का यहाँ पर पूर्ण रूप से सहयोग मिला है। आप दे रहे हैं मेरे सहयोगी सिकंदर के साथ SSC संवाददाता आजाद खान की रिपोर्ट।